196. हमारे पास एक नंबर है 196. अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आप चेक करके बताओ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो देखो मैं कैसे इसका यूज करता हूं. सबसे पहले तो आपको इस तरह से यहां पे मैंने लिख दिया 196, ठीक है. अभी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस डिवीजन में हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करने वाले. तो मुझे बताओ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. ब्लर दिख रहा है सभी को? ब्लर दिख रहा है क्या? क्लियर है ना? फिर शायद आपका नेट का इशू हो सकता है. चलो, मैंने आपसे बोला कि आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तो मुझे बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वन. ओके, बाकी बच्चे सभी को मालूम है वन ही होता है क्या? सभी वन बता रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. कोई है जिसको लगता है कि वन के अलावा कोई और है प्राइम नंबर? टू. एकता को लगता है टू, समृद्धि को लगता है थ्री, इनको लगता है फोर. टू. ओके, तो बता रहा हूं मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर. सबसे पहले तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है ये बताओ मुझको. प्राइम नंबर मतलब क्या? नंबर लेके जीरो डबल बाय नंबर इट्सेल्फ. ओके, कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ उसी नंबर से खुद को डिवाइड कर सकता है और साथ ही साथ वन से डिवाइड कर सकता है ना. तो हमारे पास जो सबसे पहला वाला प्राइम नंबर है वो है टू. कौन सा है? टू. सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा टू, जो कि वन से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है. इसके अलावा और कोई भी उसका फैक्टर नहीं है. वन को हम लोग प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान में रखो. समझ में आया? तो हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है टू से. टू के बाद कौन सा प्राइम नंबर है बताओ? थ्री है. थ्री के बाद फाइव. फाइव के बाद सेवन. उसके बाद नाइन आएगा. क्या नाइन आएगा? नाइन नहीं आएगा, क्योंकि नाइन जो है वो थ्री से डिविजिबल होता है. समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. प्राइम नंबर मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड होता है, बाकी कोई भी उसका फैक्टर नहीं होगा. तो हम बोल सकते हैं कि नाइन जो है वो नहीं आ सकता, क्योंकि नाइन जो है वो थ्री के टेबल में आता है. इलेवन आएगा, इलेवन के बाद थर्टीन आएगा, उसके बाद फिफ्टीन आएगा. क्या बताओ? नो, फिफ्टीन नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा सेवनटीन. ठीक है, मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपको प्राइम नंबर पता है. ठीक है, समझ सकते हो ऐसा? ठीक. अभी आपको प्राइम नंबर मालूम है तो एक चीज ध्यान में रखो. मैंने पहले ही बोला इस मेथड का नाम भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें वर्ड आता है प्राइम, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आप डिवीजन करते समय जो नंबर्स यूज करोगे वो हमेशा प्राइम नंबर ही होने चाहिए. इसके अलावा और कोई नंबर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. ये चीज समझ में आई क्या आपको? देखो मैं करके दिखाता हूँ. स्टार्ट कहां से करोगे? सबसे छोटे प्राइम नंबर से. सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करो. अगर उससे डिवाइड नहीं होता है तो उसके बाद वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करो. ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है तो मैं टू से डिवाइड करता हूँ. देखो टू से डिवाइड अगर करोगे तो टू नाइन सा एटीन बराबर है. एटीन गया, नाइनटीन में से एटीन गया तो बचा वन. वन पे सिक्स, सिक्सटीन. टू एट जा 16. समझ में आएगा डिवीजन आपको? फिर से यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आया हुआ है वो एक इवन नंबर है. आपको ये आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह पढ़ी होगी, इसके पहले पढ़ी है उसका हमें यहाँ पे यूज करना है. यस, इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो एक इवन नंबर है. इवन नंबर मैंने आपको मालूम है जीरो
टू फोर सिक्स एट। हाँ तो हमको मालूम है इसकी यूनिट प्लेस पे एट है, मतलब ये नंबर भी टू से डिविजन होगा। इसमें टू फोर जा एट, वन पे एट बचा हुआ है, मतलब हो गया एटीन। समझ में आ रहा है आपको? टू नाइन जा एटीन, तो हमारे पास जो नंबर निकल के आया वो आया 49। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, 49 आ गया, 49 को कौन से नंबर से डिवाइड करोगे बताओ? 7 से। देखो 3 से हो नहीं सकता, 5 से भी हो नहीं सकता, तो उसके बाद आएगा 7। तो 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7, 7 जा, और इस 7 को और मैं डिवाइड कर सकता हूँ 7, 1 जा। ठीक है, यस। तो अभी मेरे पास जो फैक्टर्स है उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 × 2 × 7 × 7, ये जो मेरे पास यहाँ पे लिख के आता है वो होते हैं हमारे फैक्टर्स, उसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई। समझ में आया आपको? अभी जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है ना क्लास में उनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ इतने ही बच्चे प्रेजेंट है ऐसा मैं समझूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे अभी यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जिनको मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी जितने बच्चे हैं उनका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, सिर्फ इतने ही बच्चे प्रेजेंट है असली क्लास में, बाकियों की अब्सेंटी लगेगी। मैंने कभी बताया था आपको कि बराबर टाइम से आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है, मैं जब लिंक भेजू वहां से 10 मिनट आपको मिलेंगे क्लास को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा। तो देखो हमारे पास 196 के फैक्टर आ चुके हैं 2 × 2 × 7 × 7। ओके सर, मैं मल्टीप्लाई किया राइट आंसर आया। ठीक, तो हमारे पास ये हमारे पास फैक्टर्स है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट का साइन, सभी स्टेप बराबर ध्यान दे रखना और ऐसे आपको करना है। सबसे पहले मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन। अभी हमारे पास जो जो नंबर्स के पेयर्स है उसमें से आपको एक नंबर लेना है, यहाँ पे पेयर है 2 का दिख रहा है और यहाँ पे पेयर है 7 का, तो 2 2 में से सिर्फ एक ही 2 आप यहाँ पे लिखोगे, 2 × 7 है उसमें से एक ही 7 आप यहाँ पे लिखोगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 14। आपने कल स्क्वायर्स लिखे थे है ना, तो चेक करो 14 का स्क्वायर 196 आता है क्या? आता है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया आपको कैसे निकालना है इसको? यस यस, तो इतनी सिंपल वे में आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या निकल गया, 196 का स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आएगा फिर इस मेथड से? यस यस सर। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर लेता हूँ है ना। चलो एक नंबर है मेरे पास में 6292, इसका करके देखते हैं। अभी हमको स्क्वायर रूट निकालना है 6292 का, थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो उसमें कैसे करना है, मेथड आपकी सेम ही है, फॉलो करो आपका आंसर आएगा। देखो नंबर इवन है मेरा, यस मतलब 2 से डिवीजन होगा। चलो करके देखते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 6, ये आपको डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, अभी 9 में से 8 गए तो बचा कितना, 1 1, और 1 के ऊपर 2 लग जाएगा तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 6 = 12। समझ में आएगा सभी को मैंने कैसे डिवीजन किया ये? थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अभी देखो फिर से जो नंबर आया वो फिर से इवन नंबर है, बराबर है? यस। तो यहाँ पे फिर से आप 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 गए बचे 1, 1 के ऊपर 1 मतलब कितने हो गए, 11, 2 × 5 = 10, सही है, 11 में से 10 गए बचा 1, 1 के ऊपर 4 मतलब हो गए 14, 2 × 7 = 14 एंड देन 2 × 3 = 6, बराबर है क्या, सभी का सेम आ रहा है क्या, आप भी करो मेरे साथ में। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अभी देखो जो नंबर है वो इवन नंबर नहीं है, बराबर है ना? Yes, sir. तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या करना है? तो आपको 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, बताओ उसको. ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे आप पहले ये बताओ कि 3 की डिविजिबिलिटी की टेस्ट क्या है वो बताओ. कोई भी एक बताओ. एक का बताओ. यस यस, देखो सभी को समझ में आ गया होगा जो हमारे पास. ठीक है ठीक है ठीक है, देख लीजिए. तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे इसको अगर भूल गए होंगे तो उनको याद आ जाए. वो तो मुझको भी मालूम है कि डिवीजन नहीं होगा, पर मैं सामने बताऊंगा सारी चीज. तो यहाँ पे अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट एकता ने बताई हमको वो क्या थी कि जो भी नंबर्स हमारे पास में है उन सबकी एडिशन आपको पहले करके देखनी है. तो करके देखते हैं हम लोग. 5 + 1 = 6, 6 + 3 हो गए कितने 9, 9 + 7 कितना हो रहा है 16, बराबर है. अभी हमको क्या, हाँ अभी हमको क्या चेक करना है कि ये नंबर 3 के टेबल में आता है. तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर जो है 3 के टेबल में नहीं आता, और इसीलिए इस नंबर में 3 से डिवीजन नहीं होगा. समझ में आएगा सभी को? वेट वेट, अभी 3 के बाद जो नंबर है वो कौन सा है मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर? 5 से होगा कि डिवीजन बताओ. हाँ बताओ समृद्धि. बराबर, लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए. इसके लास्ट में क्या लिखा होगा? 3. और उसके कारण आप बोल सकते हो कि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7. तो इसी तरह से आपको चेक करते जाना है कि कौन से नंबर से डिवीजन होगा. ठीक है, तो कौन से नंबर से होना चाहिए बताओ आप फिर. 5 ऑफ कर दीजिए, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तभी ऑन करके आंसर करना. ठीक है, यस समृद्धि माइक ऑफ कर दो आपका. समृद्धि गवाई माइक ऑफ करो. ठीक है, यहां से मैं उनका माइक ऑफ कर देता हूं. चलो, तो ये जो नंबर है वो कौन से नंबर से डिविजिबल होगा बताओ. 30 से होगा. तो चलो करके देखते हैं. 7 से होता है क्या? 11 से होता है क्या? ठीक है, 13 से करते हैं. 13 × 1 = 13 बराबर है. 15 में से 13 गए हमारे पास, बचे 2. 2 के ऊपर 7 लगाओगे हो जाएगी 27. 13 × 2 = 26 बराबर है. 27 में से 26 गए, बचा 1. 1 के ऊपर 3 लगाया हो गया 13. तो 13 × 1 = 13 सही है क्या? यस. तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर निकल के आया वो आया है 121. ठीक है, और आपको मालूम है कि 121 कौन से नंबर का स्क्वायर है बताओ. 11 का. आप क्या करोगे? 11 से डिवाइड कर दोगे. सही है. अभी इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर निकाला था वो रॉन्ग था, क्योंकि अगर 13 से मतलब 11 से डिवीजन अगर नहीं हो रहा था तो अभी 11 से डिवीजन कैसे हो गया? यहाँ पे भी 11 से डिवीजन होता होगा. ठीक है, मैं करके देखता हूँ. 1573 को 11 से डिवाइड करके देखता हूँ. 11 × 1 = 11 बचे 4. 4 × 7 = 11 × 4 = 44
बच्चे 3, 3 पे 3, 11, 3 जा 33, मेरा तो डिवीजन हो रहा है। सर 11 से हो रहा है। फिर आपने करके नहीं देखा, बराबर बराबर करके देखते जाओ। 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 143। 11 से इसको डिवाइड करने के बाद 143 हमारे पास में आया। यस फिर से 11 से होगा। 11 बंदा 11, 3 पे 3 बच रहे हैं, 11 बंदा 13, ठीक है। और उसके बाद 13 बंदा 13, ठीक है। समझ में आया क्या? पहले छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करना और बाद में उससे बड़े वाले प्राइम नंबर से डिवाइड करना, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखो। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो नंबर है 6292, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बताओ। नो नो, क्यों नहीं है? क्योंकि यस, देखो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेना चाहूं तो मेरे पास पेयर्स होने चाहिए, 2 का पेयर, 11 का पेयर और उसके साथ 13 का भी पेयर होना चाहिए था। बट मेरे पास 13 का पेयर है क्या? नो नो, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 6292 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया सभी को? इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इस चीज को आपको मालूम अगर करना है तो ऐसे आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। समझ गया आपको? यस। तो आपको इसी तरह से हमारे एक्सरसाइज 3A में से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसको आपने उसमें आपको उसने यही पूछा है कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करो। तो आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द न्यू नंबर। उसने क्या बोला है देखो कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, वो नंबर कौन से नंबर का मतलब उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसने क्या बोला है कि जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसने खुद ही बताया आपको। बट अगर मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, अगर मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमको उस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है ये उसने आपको पूछा। मतलब कि उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप मिनिमम कौन से नंबर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको सेम यही मेथड का यूज करना है। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक नंबर ऐसा है जिसके साथ कोई भी पेयर नहीं है, दिखाई पड़ रहा है सभी को? कौन सा नंबर है वो जिसके साथ कोई पेयर नहीं है? 13। तो आपको करना क्या है, आप इसमें एक स्टेटमेंट लिखोगे नीचे, उसने पूछा है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या लिखोगे? टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 13 से। समझ में आया सभी को? समझ में आया? देखो हमको करना क्या होता है, अभी डन मैंने क्या बोला,
बता रहा हूं मैंने क्या बोला, जो भी नंबर आपको दिया होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, समझ में आया? Yes. उसको सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा कोई नंबर मिलेगा जिसकी कोई भी पेयर नहीं होगी, ठीक है? Yes. तो आपको करना क्या है, उसके नीचे स्टेटमेंट लिखना है, टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, और उसके बाद लिख दोगे वही नंबर जिसकी कोई पेयर नहीं मिल रही है, समझ में आया? Yes, sir. और तो उसके दो पेयर नहीं मिल रही तो दोनों नंबर लिखना पड़ेगा? दो पेयर नहीं मिलेंगी आपको, एक ही पेयर मिलेंगी वहां पे, ठीक है? और दो मिलती है तो दोनों नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है? और उसी क्वेश्चन में एक और चीज उसने पूछी आपको, क्या पूछा देखो, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, ये जो नंबर इसके बाद मिलेगा वो नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है? तो आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, द न्यू नंबर विल बी द स्क्वायर ऑफ, जो नया नंबर मिलेगा वो स्क्वायर होगा किसका? तो देखो मैं निकाल के देखा तो इसकी पेयर है मेरे पास, है ना, इस वाले की भी पेयर है, उसको भी लिखो, और अगर मैं 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 13 के भी पेयर मिलेगी, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 13, समझ में आया क्या आपको? और इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आपका आंसर आएगा 13 3 39 हो गए, ये इंटू 11 कितना होता है बताओ, 11 9 99 बचे 9, 11 3 33 9 कितने हो गए 42, सही है ना? क्या हाँ टू है, टू है, टू चाहिए यहाँ पर, 26 होगा, 11 6 66 बचे 6, 11 2 22 प्लस 6 कितने हो गए 286 आ रहा है ना, 286 तो 286 आपका आंसर हो जाएगा, कितने होंगे 28 ही होंगे ना, समझ में आया कि आपको क्वेश्चन थर्ड? यस सर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पे गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आप कौन सा नंबर लिखोगे जिसकी कोई भी पेयर नहीं है, ऐसा नंबर, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, वहां पे आपको पेयर कंसिडर कर लेनी है, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर रूट होगा गिवन नंबर का, द न्यू नंबर विल बी द स्क्वायर ऑफ 286, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। सर बोलो। सर अभी जैसे अपने थर्ड नंबर में हमने बताया, जो अपने पहले का ना, टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय सेकंड नंबर इज 13 करना है। यस। तो सर अगर हमें कोई उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, एक ही नंबर है जो अनइवन है, तो हमें उसका ही उसको ही डबल उसका ही मतलब 13 को 13 से हमने मल्टीप्लाई किया। यस। तो सर फिर द न्यू नंबर विल बी स्क्वायर ऑफ, तो फिर अगर जैसे अभी मेरे पास 14 नहीं आया है, बस वो अनइवन एक ही पेयर है, तो मैं उसे 40 जैसे 2 इंटू 11 इंटू 14 करोगी ना सर? यस यस, ठीक है। तो नया नंबर निकालने के लिए जो नंबर की आपके पास पेयर नहीं है उसी नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना, बाकी तो पेयर आपके पास ऑलरेडी है, ही टू की पेयर ही तो वो लिखा, 11 की पेयर तो लिख दिया, 13 की पेयर मैंने इमेजिन कर ली, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ये नंबर स्क्वायर रूट होगा जो नया नंबर यहाँ से फॉर्म होने वाला है उसका, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं थर्ड वाले इसमें से, फिर आपको समझ में आ जाएगा, चलेगा? बोलो बोलो ना, चलो थर्ड वाले में से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे फिर आपको समझ में आ जाएगा कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है?
इसके बाद भी डाउट रहता है तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। देखो हमारे पास जो नंबर है वो है 2925 और वो आपको क्या बोल रहा है, इसको चेक करो कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये उसने पूछा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नो, 3 से होगा। 3 से होगा सर, 3 से होगा। चलो चेक करता हूं, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13, 13 + 5 = 18, और 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल है ना। तो मैं इस नंबर को डिवाइड कर लूंगा 3 से। देखो 3, बोलो कौन सा नंबर आएगा? 3 9 = 27, 29 से 27 गए, कितने बचे हैं? 2 के ऊपर 2 रख दोगे तो हो गए 22, 3 7 = 21, अभी बचा 22 में से 21 लग गए तो 1, और 1 के 5 15, तो 3 5 = 15, ठीक है। समझ में आया सभी को? 9 + 7 = 16, 16 + 5 कितने हुए? 21, मतलब फिर से 3 से डिवाइड होता है। 3 7 = 21, 3 9 3 2 6, 3 5 = 15, बराबर है क्या? Yes, sir. अभी 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 5 से करो, 5 6 = 30, 5 5 = 25, बराबर है। 5 1 5 5 3 15, मतलब 13, और यहाँ पे 13 1 13 हो गया, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पता चला सभी को? यस। तो यहाँ पे लिख दोगे इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बराबर है। उसके बाद अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? 13। याद रखोगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय, इससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 13। हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, और उसके बाद जो नया नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? 10 square root of new number, बताओ क्या आना चाहिए? 13। नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? इन 3 में से एक नंबर ले लिया मैंने, इन 5 में से 3 नंबर ले लिया और एक ले लिया यहाँ पे 13, क्या होगा? 195 हो रहा है। 13 5 = 65, 65 × 3 आपका हो जाएगा 195। समझ में आया क्या सभी को? यस, अगर आपको देखो मैं दोनों दिनों तक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ इतना पूछा तो आप सिर्फ यहाँ तक आंसर लिखोगे, ठीक है? यस सर। अगर उसने बोला कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो यहाँ तक लिखोगे। अगर उसने पूछा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है? बट मल्टीप्लाई के जगह पे क्या लिखोगे? डिवाइड। समझ में आ गया आपको? फिर से एक बार बता दो, किसी भी नंबर को मेरा लेफ्ट हैंड साइड है,
ठीक है रुको, नंबर पहले जो समझा रहा हूँ वो पहले समझ लो। कोई भी नंबर को अगर वो पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आप चेक करोगे, अगर एक भी नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद अगर वो आपसे पूछे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से लिख दोगे जो भी हमारे पास सिंगल नंबर बचा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। yes, sir. और अगर पूछे कि कौन से नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तो तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई के जगह पे क्या लिखोगे, डिवाइड। समझा क्या? yes, sir. Yes, sir. और मल्टीप्लाई yes, करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ऐसा अगर पूछा जाए तो यही नंबर लो, ये 3 के पेयर मेरे पास में है तो एक 3 ले लिया, 5 के पेयर है तो एक 5 ले लिया, और 13 के पेयर नहीं है तब भी आप 13 यहाँ पे ले लो क्योंकि हमने 13 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। समझ में आया आपको? yes, और उसके बाद जो आपका नया नंबर आएगा, मैंने क्या किया 13 5 65 और 65 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ भी लिखा हुआ 65 3 और सॉल्व किया तो आंसर आया 195। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ,